आज मैं आपके साथ गोलगप्पे की फुल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हमारे यहाँ इसे गोलगप्पे भी बोलते हैं और पानी पूरी भी बोलते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक थाली में सूजी लिया हुआ है और उसी कप से आधा कप गेहूं का आटा लिया हुआ है। और आप जैसे रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसे कपड़े से ढक कर 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दें, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे मैं ये रोल कर रही हूँ आटे को, उस तरीके से आप उसे आटे को लंबाई में रोल करें और किसी चाकू की मदद से इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। क्योंकि मेरे पास कुकल कटर नहीं था, इस वजह से मैंने ऐसे चाकू से कट किया हुआ है। आपके पास अगर कुकल कटर हो तो आप छोटे छोटे पीस वैसे बना सकते हैं। उसको क्या होता है कि आप उसे चकले पे बेल करके आटे को और उसे कुकल कटर से कट कर लें। मेरे पास नहीं था, इस वजह से मैंने ऐसे बनाया है। और इसे गोल गोल बना लें, फिर आटे को थोड़ा सा डस्ट करें और इन छोटी छोटी लोइयों को गोलगप्पे के शेप में छोटे छोटे गोल बेल लें और एक पेपर पे ऐसे फैलाते रहें और ऊपर से इसे गीले कपड़े से ढक दें ताकि इस पे पपड़ी ना जमे, क्योंकि अगर पपड़ी जम जाएगी तो फिर ये अच्छे से फूलेगा नहीं। ऐसे करके आप सारे पूड़ियाँ बेल लें अच्छे से और चलते हैं इन्हें तलने के प्रोसेस की तरफ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम किया है। मैंने यहाँ पे सोयाबीन रिफाइन ऑयल का यूज किया हुआ है। आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। गैस को मीडियम हाई फ्लेम पे रखें और पूड़ियों को ऐसे ऑयल में डालें और इकट्ठा सारी पूड़ियाँ ना डालें, एक एक पूड़ी को डालें और उसे करछी की मदद से हल्का हल्का, जैसे मैं उसे कर रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ, ऐसे करेंगे तो आपकी पूड़ियाँ अच्छे से फूलेंगी। एक एक पूड़ियों पे हमें ध्यान देना होता है और उसे किनारे करते रहें, दूसरी पूड़ियाँ डालते रहें और उसे भी प्रेस करके तलते रहें। सारी पूड़ियों को लाइट ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से तल लें दोनों साइड से। देख रहे हैं आप कैसे पूड़ियाँ अच्छे से फूल रही हैं। ये फूलने के बाद अगर आप इसे 1 घंटे तक ऐसे ही रख देंगे तो ये ऐसे ही क्रिस्पी रहेंगे और कुछ टाइम के बाद तो ये और भी क्रिस्पी हो जाते हैं। पूड़ियाँ कैसे अच्छे से तल गई। पानी पूड़ी बनाना बहुत इजी होता है, बस थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है क्योंकि इसका फुल प्रोसेस करना में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारी पूड़ियाँ अच्छे से फूल रही हैं। ऐसे ही एक एक करके मैं अपने सारे गोलगप्पे को रेडी कर रही हूँ। आप देख रहे हैं पूड़ियाँ कितनी फूली हुई हैं। अब हमारी पानी पूड़ी बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं इसके लिए छोले और तीखी और खट्टी पानी बनाने की तरफ। इसके लिए मैंने एक बाउल में इमली को 1 से 1.5 घंटे के लिए भिंगा के रखा हुआ था पानी में, और उसी पानी में मैं इमली का सारा पल्प निकाल रही हूँ। निकालने के बाद उसे अच्छे से छान लें आप। और फिर उसके बाद मैंने इसमें जीरा पाउडर, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर और कटी हुई धनिया पत्ती, इन सबको मिक्स किया है। और इसमें मैंने 1 चम्मच आप जो नॉर्मल नमक यूज करते हैं ना वो नमक यूज किया है, तकरीबन 1 चम्मच सूखा हुआ पुदीने का पाउडर डाला हुआ है। बस पानी बन के रेडी है और अब हम छोले की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने पहले से ही छोले को उबाल के रखा हुआ था और उबले हुए छोले में मैंने 2 बॉईल किए हुए आलू डाले हैं और आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच जीरा पाउडर,
आधा चम्मच पुदीना पाउडर डाला है मैंने। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं इसमें आप। और सादा वाला नमक डाला है मैंने आधा चम्मच इसमें, और मैंने बारीक कटे हुए प्याज डाले हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें चम्मच से। ध्यान रखिए कि नमक बहुत ज़्यादा ना डालें, नमक हल्का ही डालें, क्योंकि आधा चम्मच इतना डालें, क्योंकि हमने जो गोलगप्पे के लिए तीखा और खट्टा पानी यूज़ किया था उसमें हमने नमक यूज़ किया हुआ था, इस वजह से नमक कम ही डालें और आपके गोलगप्पे बिल्कुल तैयार है। जैसे आपकी मर्जी हो, यहाँ पे मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी डाला है इस पे, और बस, और दही डाले हैं मैंने इस पे। आप चाहे तो इस पे वो महीन वाला सेव होता है वो भी डाल सकते हैं। बस आपके गोलगप्पे घर पे बनके आसानी से रेडी हो गए। अब आप इसे एंजॉय करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, मुझे कमेंट करें और बताएं कि अगर मेरी रेसिपी में कोई भी कमी रह गई हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।